नहीं सर, एक मिनट के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा। मल्टीवेगर आपने कहा आइडेंटिफाई करें, कोई कोई तरीका, मतलब आप कोई क्लू देना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे दर्शक जो नए नए जुड़ते हैं रोज, वो को किस तरीके से एक मल्टीवेगर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, बड़ा सुनने में तो बड़ा सिंपल सवाल लगता है, लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट। क्योंकि देखिए, हम तो टेक्निकल वाले लोग हैं, हम तो प्रोबेबिलिटी, हम तो 10 पिक्स उठाते हैं, तो हम एक बास्केट में से उठाते हैं 10 पिक्स। बट अगर अच्छा, अगर आपने मिड कैप में, अगर आपने अच्छा थोड़ा रिसर्च किया हुआ है और आपने देख लिया भाई क्वालिटी अच्छी है, इंडस्ट्री में साख अच्छी है, छोटी कंपनी है, बट वो जो भूख है प्रमोटर्स में वो है आगे बढ़ने की, तो आई थिंक इनिशियली तो सबसे बड़ी चीज तो वही है। उतना खाली देख लीजिए, बाकी आप देखिए प्राइस में कि रेगुलर प्राइस एक्शन अच्छा हो, ट्रेडिंग वेडिंग अच्छी होती रहे और आपको लिक्विडिटी थोड़ी मिलती रहे जहां पे आप ट्रेड कर सकें। तो थॉट तो मेरे उसी एंगल पे रहते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल वाला बंदा हूं, तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल नहीं बोलूंगा, बस खाली मैनेजमेंट की भूख देखता हूँ कि हाँ भाई लोग अच्छे हैं और भूख है आगे बढ़ने की। सो वो उनमें आप डालिए, 5-7 स्टॉक्स में डालेंगे तो 2 ही 3 चलेंगे, एक या 2 चलेगा। इनफैक्ट किसी भी बड़े से बड़े, अगर आप मार्केट प्लेयर या बड़े से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स को देखें, तो अराउंड 1 या 2 उनको मल्टीवैगर 10 में से मिलते हैं और वही उनके लिए पैसा बनाते हैं, फिर उसको वो लंबा लेके खड़े रहते हैं। तो थॉट यही है कि भाई आप जब 5-7 ट्रेड करेंगे तो 1 या 2 मल्टीवैगर आपके पास फंसेंगे और उनमें आपके पैसे अच्छे बनेंगे। तो कोई एकदम रामबाण तो कोई टूल किट नहीं है, बट एक यही है कि आप देख लीजिए कि थोड़ा कंपनी के प्रमोटर अच्छे हों और 5-7 ऐसे पिक्स लीजिए, 1-2 उसमें से चलेंगे। तो ये थोड़ा धैर्य वाला काम है, मछली पकड़ने जैसा लगा मुझे कि आप कोशिश करते रहिए, एक दो बार तो जाल में बड़ी मछली आएगी और फिर उनको लॉन्ग लास्ट रखिए अपने पास, संभाल के इन मल्टीबैगर्स को, ताकि वो आपको मुनाफा देता रहे। यही मिलियन डॉलर सलाह आपसे चाहिए थी, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से संक्षिप्त में बता दिया कि एक दो कौन सी वो बातें हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी आवाज़ पे सुनते रहिए, सरवेन जी आते रहते हैं और आपको बताते रहते ही हैं और भी।